बाजार में इन दिनों आईपीओ का सीजन चल रहा है। कई सारे आईपीओ बाजार में आ चुकी है और कई आईपीओ ने धमाकेदार रिटर्न भी यहां पर दे दिया। 125% तक का यहां पर लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। 80% से लेकर 60%, 185%, 143% से लेकर 36% तक का लिस्टिंग गेन यहां पर देखने को मिला है। तो धमाधम यहां पर आईपीओ देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, क्योंकि जो है वो पूरा स्टॉक मार्केट अभी बुल रन में, और बुल रन में जितने भी आईपीओ आते हैं उन सब में तेजी देखने को मिलती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले एक और एग्रीकल्चर कंपनी का आईपीओ, पॉलीसेल का आईपीओ बाजार में आ चुका है। जी हाँ, पॉलीसेल इरिगेशन सिस्टम का आईपीओ बाजार में आ चुका है। जानेंगे इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी, कंपनी डिटेल से लेकर ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे कि आखिर अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपको कितना फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहां पर पहुंच चुका है, लिस्टिंग गेन कितना होगा। इसी के साथ में कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस और ग्रे मार्केट प्रीमियम कहां पर पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा और छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लिक कर देना है और इस व्हाट्सएप चैनल को तुरंत ही फॉलो कर लेना है। इस व्हाट्सएप चैनल पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेकर आईपीओ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को तुरंत ही फॉलो कर ले, ये व्हाट्सएप से आपको सारी जानकारी यहाँ पर ही मिल जाएगी। चलिए तो बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ की डिटेल किस तरीके से है। तो यहाँ पर पॉलीसेल इरिगेशन सिस्टम आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 8 फरवरी 2024 को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 13 फरवरी 2024 को जो है वो आईपीओ क्लोज हो जाएगा, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 14 फरवरी यानी कि अगले दिन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक दो दिन का ही इधर जो है वो वेट करना रहेगा। उसके बाद यानी कि 15 फरवरी 2024 को जिन लोगों का आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन्हें पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, और जिन लोगों का अलॉटमेंट हो चुका है उसी दिन यानी कि 15 फरवरी को डीमैट खाते में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और उसके अगले दिन यानी कि 16 फरवरी 2024 को होगी आईपीओ की यानी कि कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग। इसके बाद अगर हम बात करें आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में तो यहाँ पर रिटेल वालों को एक लॉट मिनिमम जो वो दिया गया है, मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट रहेगा, इससे ज़्यादा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 2000 शेयर यहाँ पर आप जो है वो निवेश कर सकते हो। आपको 108,000 रुपये तक का निवेश यहाँ पर देखने को मिलेगा करना होगा। और अगर HNI कैटेगरी से करते हो तो 4000 शेयर जो है वो करने होंगे, जिसमें 2 लॉट के 4000 शेयर आएंगे, 216,000 रुपये तक का निवेश यहाँ पर करना होगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर अभी प्रमोटर के पास 33% के शेयर है, 33% शेयर प्रमोटर के पास है, इश्यू के बाद जो है वो 29% तक रह जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन के बारे में तो 50% रिटेल वालों को दिया गया, बाकी के लोग हैं उन्हें 50% यहाँ पर दिया गया है। वही अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम पॉलीसील शिपिंग वाटर्स है, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाती है। प्रोडक्ट का मतलब है इरिगेशन के प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मिनी स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर बनाते हैं, ओवरहेड स्प्रिंकल्स और HDPE पाइप्स जो है वो यहाँ पर कंपनी बनाते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी बनाती है जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी मददगार होते हैं और काफ़ी अच्छी डिमांड इनकी होती है। तो उस तरह के ग्रामीण इलाकों में जो है वो सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट होते हैं और गवर्नमेंट भी इन सारी प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी कंपनी को लेकर, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में है तो आप इसमें निवेश करने से दूरी बना सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलीसेल इरिगेशन सिस्टम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो 31 मार्च 2021 को कंपनी का प्रॉफिट लगभग 64 लाख रुपए था, जो कि रेवेन्यू के मुकाबले काफ़ी कम था। और उसके बाद यानी कि 31 मार्च 2022 को कंपनी का प्रॉफिट 33 लाख तक पहुंच गया, यानी कि 64 लाख से 33 लाख तक प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 31 मार्च 2023 को कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे देखने को मिले, क्योंकि 1,13,00,000 तक का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अगले साल से काफ़ी अच्छा था, यानी कि
पिछले जो 2022 के रिपोर्ट थे उसमें 33 लाख था और 1 करोड़ 13 लाख जो है वो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिया। उसके बाद अगर अभी की बात करें यानी कि 31 अगस्त 2023 तक के रिपोर्ट की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है। अब अगर यहाँ पर अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक बुरा पॉइंट ये भी है यानी कि नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कंपनी बोरोइंग में मतलब कंपनी कर्जे में है और कंपनी का कर्जा जो वो यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है जो कि एक बुरा पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल जो है वो प्रॉफिट वाले वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी से जुड़ी कुछ और बातें, ये 1999 से जो इसकी स्थापना हुई थी और ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। ये एग्रीकल्चर से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है और 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ में कंपनी से जुड़े कई सारे बाजार के जानकारों का मानना है कि कंपनी का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के कारण IPO आकर्षित हो सकता है यानी कि इसमें जो है वो तेज़ी से देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहां पर अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो इसमें मेन बोर्ड IPO में IPO GMP पर क्लिक करते हो तो आपको लाइव IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाएगी। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये रहा पॉलीसील इरीगेशन सिस्टम। ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, कोई भी बदलाव यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में नहीं है। अगर यहाँ पर 30-40% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, यहाँ पर 30-40% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, GMP नहीं है तो इसमें जो है वो लॉस में भी ओपन हो सकता है और इसी भाव पर जो वो बाजार में आ सकता है, तो इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में अपडेट होता है, यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो।